नमस्कार, मैं हूँ दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में, न्यू महाराष्ट्र सदन में, और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ नेशनल एक्सलेंस अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। ये महिला है, कहते हैं ना एक पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, एक महिला के पीछे एक पुरुष का भी हाथ है जो इनके हस्बैंड है। मैडम अपना परिचय दे दीजिए। नमस्कार, मैं पूनम रविंद्र उबाले हूँ, मैं महाराष्ट्र से आई हूँ और ये जो अवार्ड है मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और महाराष्ट्र से मैं पहली ऐसी ZP टीचर हूँ जिसमें ढेर सारे कलागुण हैं और ढेर सारे उपक्रम हैं, इसकी वजह से मुझे सम्मानित किया गया है। कैसी कैसी, मतलब जैसे कि कहते हैं ना कि कुछ व्यक्तियों में थोड़ी बहुत तो योग्यता होती है, कोई ना कोई टैलेंट तो ज़रूर होता है, लेकिन इतना सारा टैलेंट इकट्ठे आप ही के अंदर कैसे आ गए मैम? अगर तो आप नृत्य में कहें, कबड्डी में कहें, हर चीज़ में आप, ऐसा कौन सी चीज़ें जो नहीं आती हो आपको? हर एक व्यक्ति में ढेर सारे कलागुण होते हैं मैम, लेकिन लोग जो है वो अपनी कला पहचानते नहीं है, लेकिन मैंने अपनी कला पहचानी। मैं कबड्डी में नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, कराटे में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, 6 बार महाराष्ट्र को मैंने स्टेट लेवल पर खेला है, प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ। और जो लड़कियाँ हैं जिनको पता नहीं है कि अपने में कौन से कलागुण हैं, उसके लिए मैं फ्री ऑफ सेमिनार्स भी लेती हूँ। और स्कूल में आदिवासी वाड़ी बस्ती में जो बच्चे होते हैं उनके लिए ढेर सारे उपक्रम लेती हूँ। और इसी उपक्रम की वजह से, और एक व्यक्ति में इतनी सारी कलागुण कैसे हो सकते हैं, इसके लिए मुझे ये अवार्ड दिया गया है। और इस अवार्ड से तो मैं बहुत प्रोत्साहित हुई हूँ, क्योंकि इससे मुझे स्टॉप लेना नहीं है, इससे और आगे भी मुझे बढ़ना है। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगी जो उनके अंदर टैलेंट तो है लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता उस टैलेंट को निखारने का, तो कैसे उनको प्रेरणा देंगी? दुनिया में रहकर अगर कुछ अलग किया जाए तो 4 लोग पहचानते हैं। अगर हमें अच्छी पहचान निर्माण करनी है तो अपने जो कलागुण हैं उन्हें पहचानो, और लोगों के लिए ऐसा नहीं कि लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि यही लोग हैं। जब हम कुछ अलग करते तो बोलते, और जब दुनिया अलग हम अलग करते तो लोग पहचानने लगते, तभी यही लोग हमें पुरस्कार या कुछ फंक्शन के लिए या मान सम्मान देते हैं। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि हर एक में कला है, उस कला को पहचानो। क्योंकि मैम आप झुग्गी झोपड़ियों में जाती हैं, स्लम एरियों में जाती हैं, वहाँ पे बच्चों को पढ़ाती हैं, ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ये मैम मैं बचपन से ही, जब मैं छोटी थी तभी से मैं बच्चों को, यानी स्कूल में भी पढ़ती थी ना, तभी मैं बच्चों को ऐसा जब एक साथ बुला के पढ़ाती थी, यानी मुझे ऐसा लगता था हाँ जो मुझ में है, हाँ, और मेरे जो बच्चे हैं, मैं भी चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी अपने कलागुण से आगे बढ़े, क्योंकि नौकरी भविष्य में मिलेगी या नहीं मिलेगी मुझे मालूम नहीं, लेकिन उनके कलागुण जो है वह उनको भविष्य में एक आधार मिल सकता है, उन कलागुण से वह बहुत, ताकि वह भविष्य में कभी भूखे ना रह सके। यस यस। और ये जो अवार्ड है मैम, आपको मैं बताना चाहती हूँ, इस अवार्ड के लिए मैं अकेली नहीं हूँ, ये अवार्ड मेरा अकेली का नहीं है, ये अवार्ड मेरे महाराष्ट्र का है। और एक अवार्ड के लिए पूरा, ये अवार्ड एक व्यक्ति का नहीं होता है, इस अवार्ड के लिए पूरी फैमिली, मेरे स्कूल के बच्चे, मेरे स्कूल की टीम, मेरे समाज में काम करने वाले ढेर सारे लोग जो मुझे प्रेरणा देते, और इन सब से भी जो महाराष्ट्र मिस हेरिटेज जो है, नेशनल लेवल का मिस हेरिटेज जो प्रोग्राम है उसमें मैंने महाराष्ट्र को प्रेजेंट किया था, और जो मृणाल एंटरटेनमेंट जो मिस हेरिटेज जो प्लेटफॉर्म है, इसकी वजह से मैं यहाँ तक आई हूँ, क्योंकि उन्होंने बताया था आप में इतना ढेर सारा टैलेंट है तो आपको एक पहचान मिलनी चाहिए, और उनकी वजह से भी मैं यहाँ पे हूँ। और सबसे ज़्यादा मोस्ट सपोर्टिव पर्सन मेरे हस्बैंड है, इनकी वजह से भी आंखें जो है नम हो चुकी हैं, वो हर बार मुझे प्रोत्साहित करते हैं, कभी ऐसा बोलते नहीं है कि ये मत करो वो मत करो। अगर टीचर है तो उसका एक क्राइटेरिया होता है, क्योंकि उसको पढ़ाना
और बस घर फैमिली और स्कूल यही होता है। लेकिन वो कभी मुझे बोलते नहीं कि तुम टीचर हो तुम डांस मत करो, तुम टीचर हो तुम मेकअप मत करो, तुम टीचर हो मतलब तुम खेलो चीज़ से सपोर्ट किया। यस 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 यस। और उनकी वजह से मैंने नेशनल लेवल जो मिस हेरिटेज जो पेज है तो नेशनल लेवल में मैंने महाराष्ट्र को प्रेजेंट किया था और वो मृणाल्स एंटरटेनमेंट जो मैम है उनकी वजह से मैं यहाँ हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि तुम खुद को पहचानो, तुम्हें इतने सारे कला गुण हैं तो उसे एक प्लेटफॉर्म चाहिए और एक अवार्ड देने से मैं थमने रुकने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ढेर सारी जो मेरी वाड़ी वस्ती जो बच्चे हैं जो महिला है उनको प्रेरित करना है बस। बिल्कुल। तो देखा आपने जिस तरीके से मैडम ने भी बताया कि आपके अंदर अगर कुछ भी कला है तो उसको निखारिए तराशिए, क्या पता आप भी कई लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। आइए इनके हस्बैंड भी हमारे साथ हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर जिस तरीके से हमने सुना है कि एक पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, यहाँ तो हम उल्टा देख रहे हैं, एक महिला के पीछे एक पुरुष का हाथ है। आप किस तरीके से आपने इनके अंदर कला को देखा और कैसे कैसे इनको प्रोत्साहित करा? ये सब बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा था और आज जो अपन संविधान दिन जो मना रहे उसी की बदौलत पुरुष और महिला इसमें कुछ अंतर नहीं है। भारतवर्ष में महिला को जो अधिकार है वही पुरुष को अधिकार है। और मैं ये नहीं मानता हूँ कि महिलाओं के महिला ने एक दायरे में काम करना चाहिए। आज आपने देखा होगा कि आपने राष्ट्रपति महिला ही है और कल उठ के भारत की प्राइम मिनिस्टर महिला बन सकती है, तो बनी भी है, प्रधानमंत्री भी, आगे भी बन सकती है, आगे बन सकती है। तो महिला के लिए एक दायरे में रहना ये मतलब कई बार होता है ना कि पुरुष कहते हैं नहीं तुम चार दीवारी में ही रहो, तुम सिर्फ घर तक सीमित रहो, तुम्हारा यही तक सीमा है, इससे आगे कुछ नहीं है, बस तुम घर परिवार नहीं नहीं, महिला खुद पढ़ लिख के आगे बढ़ रही है, वो खुद इंडिपेंडेंट है, वो अपने विचार खुले मंच पे बता सकती है और अपने को अच्छी तरह से प्रेजेंट भी कर सकती है, तो उन्हें रोकना अच्छी बात नहीं है, उन्हें प्रोत्साहित करो। प्रोत्साहित करने के बाद कैसा लग रहा है आज आपको, आपकी वाइफ को अवार्ड मिला है? बहुत ही अच्छा लग रहा है और आज जो हमारे लिए बहुत ही गर्व का दिन है उस दिन पे हमें फेलिसिटेट किया गया है, तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे समाज से, उन पुरुषों से जो आज भी जो है पुरुषवादी मानसिकता को लेकर के बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं आज भी महिलाओं का कुछ पुरुष जो है शोषण कर रहे हैं? नहीं, मुझे अच्छा ये नहीं लगता है भारत में, क्योंकि भारत अभी बढ़ रहा है, भारत की सोच अभी बदल रही है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे महिला आगे बढ़ रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा अभी सोच है भारत में भी है। क्या कुछ कहेंगी बाबा साहब? भीमराव अंबेडकर जी की बदौलत ही आज हम सब स्त्रियां जो हैं आज हमें मान सम्मान जो भी है आज उन्हीं के बदौलत मिल रहा है। यस यस। पहला मेरा जो नमस्कार होगा वो सावित्रीबाई फुले जी इनके लिए होगा, क्योंकि उन्होंने शिक्षा लड़कियों को पढ़ाया, इसके लिए आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। और जो मुझे अधिकार मिला है न्याय समता बंधुता और जो भारतीय संविधान ने जो मुझे अधिकार दिया है, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनकी बदौलत की वजह से मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ। और मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर जी का, जिनकी संविधान की वजह से मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ।